सब्सक्राइब कीजिए इंडियन ब्लॉगर सना को, साथ में दबाइए बेल बटन को, घंटी के निशान को, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर एलोवेरा जेल कैसे बना सकते हैं। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए। आप इसे एज ए टोनर, स्क्रबर, मॉइस्चराइज़र, जैसे भी चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लीफ ली है, ये एलोवेरा की काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसे पीसेस में कट कर रही हूँ इस तरह से। और इसको मैं ऊपर से पील कर लूँगी। और उसके बाद इसका एलोवेरा के बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एलोवेरा में विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जो कि बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो हमारी स्किन को नेचुरली प्रिवेंट करते हैं, नेचुरली खूबसूरत बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कट कर लिया है पीसेस में, और इसको हम साइड से कट करेंगे इस तरह से। और इसे एक एलोवेरा लीफ से आप काफ़ी सारा एलोवेरा जेल बना सकते हैं। और ऊपर से इस तरह से पील कर लेंगे इसको, बहुत इजीली ये हो जाता है। एलोवेरा आपकी स्किन के लिए एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, और आपकी स्किन इससे चिपचिपी भी नहीं लगती है, ग्लॉसी नहीं लगती है, तो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र का काम करता है। और ये एंटी एजिंग भी है, इसमें बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई, विटामिन सी है, जो कि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपकी स्किन को झुर्रियों से बचाते हैं, जो आपकी स्किन में एज के साथ साथ जो झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं उससे भी प्रिवेंट करता है आपके। अगर आप एलोवेरा जेल रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपके स्किन के जो झुर्रियाँ हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, और बीच में से मैंने कट लगा लिए हैं। तो अब इसको मैं स्पून की हेल्प से निकाल लूँगी, एक बोल में निकाल लेंगे इसको स्पून की हेल्प से इस तरह से। तो इसका जेल देखिए बहुत ही आसानी से निकल रहा है, इस तरह से हम इसका सारा जेल निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम इसका सारा जेल निकालेंगे। और एलोवेरा जो है आपके मुंह पे अगर मुहासे हैं, कील मुहासे हैं, तो उनको भी ये जल्दी से जल्दी ठीक करने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप एलोवेरा जेल रेगुलरली अपनी स्किन पे लगाइए, तो आपके जितने भी कील मुहासे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, उनके स्कार्स जो हैं, उनके जो निशान होते हैं, उनके जो ब्लैक जो दाग धब्बे रह जाते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। एलोवेरा का यूज़ एक्जिमा या कील मुहासों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। तो ये देखिए हमने सारा जेल निकाल लिया है एक बाउल के अंदर, और अभी मेरे पास और बची हुई हैं ये लीफ, तो मैं इनका भी निकाल लेती हूँ। तो इससे हम काफ़ी सारा एलोवेरा जेल बना के रख सकते हैं। आप इसे अपनी स्किन के साथ साथ अपने हेयर्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हेयर मास्क बहुत अच्छा बनता है एलोवेरा जेल से। तो ये नेचुरल एलोवेरा जेल है आपके पास, आप इसे अपने बालों में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही कारगर है स्किन के लिए। तो ये देखिए मैंने सारा जेल निकाल लिया है, और आप चाहें तो इसको इसी तरह से मैश करके और एक एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं, या चाहें तो आप इसे एक मिक्सी के जार में डाल के थोड़ा सा पीस लें, घुमा लें इसको मिक्सी में, तो इसका एक पतला सा जेल बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको मिक्सी के जार में पीसूँगी। तो ये देखिए मिक्सी में मैंने चला लिया है, और ये हमारा एक पतला सा जेल बन के रेडी हो गया है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा बन के रेडी हुआ है, बहुत नेचुरल है। आप इसको इसी तरह से अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन हैं, ब्लैक हेड्स हैं, ब्लैक दाग धब्बे हैं, और अगर आपके स्किन पे कील मुहासे हैं तो उन सब के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखूँगी। आप अगर आपके पास कांच का कंटेनर हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आप कांच का कंटेनर लें और उसके अंदर भर के आप इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में आप इसे तकरीबन 7-8 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और उसके बाद आप फिर से बना सकते हैं ये। तो ये बहुत ही अच्छा आपका नेचुरल मॉइस्चराइज़र बन के रेडी हो गया। इसे आप टोनर के तरह यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं,
या आप इसे स्क्रबर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। या इस एलोवेरा जेल को आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे पे आप बहुत ही अच्छा असर देखेंगे, आपके कील मुहासों के दाग धब्बे पिगमेंटेशन वगैरह सब दूर हो जाएंगी। तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए और बनाइए इसे, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।